أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فاملي، كيفي أبلو؟ حاجي كون كون آيا هاي الشهر مي वेलकम वेलकम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वेलकम हो गया सर आप लोगों को। कोड कोड आया है, कोड कोड आया है, सबको वेलकम, सबको वेलकम, सबको सलाम, सबको गुड मॉर्निंग। ये कौन है, ये कौन है भी? हाँ जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी पैर भाई अस्सलाम वालेकुम। तायर भाई को नया गाना नहीं आया आपका, नया वीडियो जल्दी से रिलीज करो। मार्केट में आपका बॉक्स ऑफिस के ऊपर वो रेटिंग कम हो रही है। जल्दी जल्दी हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी घर वालों कहो, जिंदा होने का सबूत दो। आ जाओ कैसे हैं आप लोग? कौन आया, कौन आया, कौन आया? ठहरे अच्छा, आपके अभी आपके फॉलोअर नहीं है, वरना अगर आपको मैं बुलाता आपके 1000 फॉलोअर हो जाए तो आप आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन आपके भी फॉलोअर नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं और फिर आपकी फॉलोशिप ज्यादा हो जाएगी, फिर आप आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।
मैं आपका आधा मैसेज पढ़ रहा हूँ, वॉइस में ही लिखा हुआ है, बाकी मैं आपका पूरा मैसेज नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पढ़ लूंगा। अभी मेरे कोई दोस्त आएगा, सारे मैसेज पढ़ के मुझे बताएगा। हाँ जी, सबको जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम वेलकम जी, वेलकम। कल मेरे दोस्त ने एक बड़ा अच्छा लतीफा सुनाया, कहने लगा कि वो एक जहाज में एक खान साहब जाते हैं, अपने एक सीट पे जाके बैठ जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में एक और आदमी आता है, कहता है खान साहब आप मेरी सीट पे बैठ गए, ये नंबर मेरा है। तो खान साहब कहते हैं जाओ यार, मैंने कराया दिया है, तुम जाओ, हम यही बैठेगा। तो वो बड़े परेशान हुए, क्योंकि जाहिर है वो खान साहब उठ नहीं रहे थे, तो इतनी देर में वो पीछे जाके रास्ते में खड़े हो जाते हैं, तो एक और खान साहब खड़े होते हैं, कहते हैं क्या हुआ? कहने लगे यार मेरी सीट नंबर पे वो बंदा बैठा हुआ है, वो उठ नहीं रहा। कहने के 2 मिनट में आपका मसला हल करवाता हूँ। तो वो वहां जागते हैं और खान साहब से कोई बात करते हैं, खान साहब जल्दी जल्दी अपना बैग उठाते हैं और जाके दूसरी एक और सीट पे बैठ जाते हैं। तो इनको कहते हैं जी अपनी सीट पे आप बैठ जाएं। तो वो वहां जाते हैं अपनी सीट के ऊपर, तो उनसे पूछते हैं कि आपने खान साहब को क्या कहा है? उन्होंने कहा खान साहब से मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहने लगे मैं दुबई जा रहा हूँ। कहने लगे ये सीट तो लंदन जा रही है, तो आप गलत सीट पे बैठे हैं। एनीवे, कौन आया कौन आया? नासिर, नासिर शहजादे, अस्सलाम वालेकुम नासिर, आवाज नहीं आ रही है। वालेकुम अस्सलाम वहीद भाई, क्या हाल चाल है? और नासिर तू कहाँ गायब है यार? तू बिल्कुल ही तू बिल्कुल ही शॉर्ट हो गया है। नहीं शॉर्ट नहीं हुआ, मैं ना काम में बिजी था ना एक हफ्ता, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा, कोई नहीं यार, नासिर चेहरा शेरा करा दिया कर, ऐसे ही परेशान हो जाता बंदा यार। भाई यार कसम से ना टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि आप इस टाइम आते हो तो इस टाइम में काम में मसरूफ रहे, तो इसलिए ना बात नहीं हो सकी कितने दिन से। अच्छा, नहीं, नो प्रॉब्लम। बस मैंने कहा नासिर भाई अपना, मैं बल्कि कल सोच रहा था, बल्कि यार नासिर नाराज हो गया है, शायद मैंने उसको तंग किया है इसलिए नहीं आ रहा। आपसे नाराज हो सकते हैं, आपसे तो झगड़ा करके भी बात कर लेंगे हम। एनीवे, और सर जैन भाई का क्या हाल है? जैन भाई भी काफी अच्छे जैन से आ गए। काफी अरसे से उनसे भी मुलाकात नहीं हो सकी, दरअसल काम में मसरूफ रहे ना, किसी से फिर रابطہ ही नहीं किया। आपको अच्छा, तो पता है मैं भी परदेश में फिर बता, काम काम है। हाँ नहीं यार, काम तो काम के बगैर रह भी नहीं सकते, और काम हो तो फिर टाइम भी नहीं मिलता किसी के लिए, टाइम मिलता है, यही इसलिए। बात है। तो हमारे भी सारे दोस्त हैं मुख्तलिफ जगह पे बटे हुए हैं, कोई किसकी लाइफ पे आज बैठा हुआ है, कोई किसकी लाइफ पे बैठा हुआ है, अमेरिका बैठा देखो रह ना, रहे हैं। थोड़ी देर पहले ऑन किया तो वो मेरू सिस्टर और हैदर भाई उधर बैठे थे, अहमदाद भाई। हाँ, वो उधर वो मैंने देखा था, रजनी की, रजनी वो लड़की। रजनी के, हाँ रजनी के साथ लाइव पे गए थे। अच्छा, मेरी रजनी से नहीं है मुलाकात, मैंने वैसे ही किया था, एंट्री मार के आ गया। अरे क्या हाँ मैं बताओ। भी बांध वाली एंट्री किया बस, तो फिर वापस निकल आया। मैं तो नहीं आपको बस ढूंढ रहा था वो तभी से, अभी आप अभी आए हैं। था, नहीं मैं बस सुबह से अभी ऐसे फारिग था, अभी निकलूंगा थोड़ी देर में काम पे, तो मेरे के चले सुबह सुबह टाइम है, फिर
वो दिन को टाइम ही नहीं मिलता, फिर भाग दौड़ ऐसी शुरू हो जाती है। मेरे क्या चले सुबह सवेरे जाके सबको सलाम सलाम करते हैं। लाइफ अली भाई पूछ रहे हैं, वहीद भाई आपकी हेल्थ कैसी है? अली भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हूँ और ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। कल बस बहुत सारे मेहमान आए हुए थे तो काफी दिनों बाद एक बड़ा हल्ला गुल्ला हंगामा था, 8-10 फैमिलियां आई हुई थी, घर में बस मेला लगा हुआ था। बस यही है, प्रदेश में यही एंजॉयमेंट है, बस हफ्ते बाद 15 दिन के बिल्कुल बाद सब इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं सही कह रहे हैं आप, तो बस तो आज से फिर काम शुरू है, भाग दौड़ है। जा रहा था सुबह, मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की, वो भी कैंसिल कर दी। मेरे का नहीं यार आज नहीं, बारिश हो रही थी ना। आज हमारे भी बारिश हुई है बहुत ज्यादा। नहीं आज यहाँ बारिश है का, बस वो ये पूरा हफ्ता बता रहे हैं ना कि बारिश और बर्फबारी है हल्की हल्की, तो वो उसी में ठंड ठंड आज तो है हमारे बस। बिहार का मौसम जो है ना मरीज जैसा बना नहीं इधर भी माशाल्लाह उसी तरह का बना हुआ है, बाहर रात पूरी बारिश होती रही है, हल्की हल्की अभी भी बारिश है। तो अभी वो यही है, सोच कहीं रहे थे कि सफेद मर बादल कहीं काले जाऊं या नहीं बादल। जाऊं, जीना है। कमेंट पढ़े, कमेंट क्या लिखे हुए हैं? माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत सला सा बहुत बहुत साथ और हैप्पी लाइन्स दे, आपको आमीन अच्छी सेहत और आमीन, हैप्पी। शुक्रिया अली भाई बोल शुक्रिया। रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे, आपकी जिंदगी में सारी चीजें अच्छी हो। खुश रहे। तो किधर ना सिर्फ सुना रहते हो यार? ठीक है भाई भाई, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, दुआएं आपकी। चल यार नासिर, अच्छी बात है ना यार। बस सलाम, पाकिस्तान में सबका क्या हाल है, घर वालों का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, दुआएं आपकी। अच्छा माशाल्लाह। अरे कमेंट पढ़ी यार, कमेंट पढ़ी यार। कमेंट जरा शर्मा, ये दीवान भाई दीवान खान बोल रहे हैं, जरा शर्मा समा अच्छा समा दाऊद जैसे पता नहीं खान क्या साहब, लिखा हुआ दाऊद है। खान साहब जी, दाऊद हाँ दाऊद खान दाऊद साहब दाऊद जी, हमारे वहीद कराची के भाई दोस्त हैं। अच्छा को थोड़ी नज़र कमज़ोर है, वो पढ़ नहीं सकते कमेंट्स, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। तो वहीद भाई आप ऐनक लगवा लें ना, यार गलास ऐनक लगवा लगाने लें। से एक मसला हो जाएगा यार, क्योंकि वरना वो जो नीचे जो गालियां देते हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। ये बात सही है। ऐसी कोई गालियां भी दे तो कोई फर्क नहीं ये पड़ता। फिर ना उसमें एक बंदा आया, नीचे गालियां दे रहा था, जाहिर मैं पढ़ नहीं रहा था, तो आखिर में शर्मिंदा हो गया ना, मुझे कहता मैं आपको इतनी देर से गालियां दे रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं और भाई साहब आप ठीक है, खैरियत से है? तो अच्छा तू गालियां दे रहा था, तो कोई बात नहीं यार बेटा। तो उसके बाद मुझे माफिया मांगने शुरू हो गया। अच्छी बात है, चलो इस तरह नहीं सही तो इस तरह सही। गाली देने से आदमी कौन सा बड़ा हो जाता चलो यार मेरे कहा तू कितनी गालियां देगा बेटा, वैसे भी बिना गालियों को दे तो स्वभाव जो होते हैं वो इंसान के गुनाह धुलते हैं। है? हाँ वही बात है। मुझे एक दोस्त कहने लगा, मैंने कहा नवाज शरीफ जन्नत में जाएगा, कहते क्यों, लेकिन जितनी गालियां उसको कौम ने दी है ना उसके सही सारे बात गुनाह है, धुल गए। ये भी एक समझ ले के अल्लाह ताला का कर्म ही होता है, हाँ कर्म कुछ गुनाह दुनिया में खत्म हो नाम जाते यार, हैं। पता चले बाकी नहीं यार, अल्लाह माफ करे। अच्छा नीचे मैसेज पढ़े पूरा। जिंदगी कैसी, क्या प्यार में जन्नत से कम नहीं, क्या प्यार जन्नत से कम नहीं, आपका क्या खेल है वहीद भाई। मेरा ख्याल है, मेरा क्या ख्याल है, मैं आपको एक बार बताऊँ, मैं जिंदगी बहुत आपका क्या खूबसूरत है। ख्याल है? जिंदगी कहते हैं मोहब्बत अल्लाह ताला का एक तोहफा होता है, और एक चीज बिल्कुल मैं बताऊँ,
अगर हम अपने आप से निकल आए ना, ये जो जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जैसे दौलत, गाड़ियां, इन चीजों को अगर आप साइड पे कर लें और सिर्फ अल्लाह की कायनात को देखें, ये मौसमों को देखें, ये रंगों को देखें, अल्लाह ताला के खाने के जायकों को देखें, फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी बड़ी रिचनेस दी हुई है। अल्लाह ताला का हर बिल्कुल भाई लम्हा, साहब, हर सांस जो है वो एक अल्लाह ताला की कलमरादी है। हमेशा खुश रहा करें। सही बात। और ये तो मोहब्बत समझने की तो बात है ना वहीद भाई। मोहब्बत तो यार एक एक ऐसा अनमोल तोहफा है। आप यकीन माने, आप देखे ना, मैं एक मेरी बिल्ली है, मेरी बिल्ली है, वो क्या करती है, वो मेरे पास आके लेट जाती है शाम रात को ना, और फिर उसके बाद जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरे नीचे घुस जाती है, कि जैसे मैं चलते में जाता हूँ तो वो नीचे से भी निकलती। तो और आप यकीन माने, अल्लाह ताला ने कनेक्टिंग, मुझे याद है कि मैं जब अपने पौधों की गोड़ी करता था ना, तो मैं सुबह जाके अपने पौधों से कहता था, यार क्या हाल है टमाटर भाई, आपके क्या हाल है, तो ऐसा लगता था टमाटर का पौधा भी खुलखुला उठता था, ऐसा लगता था कि वो आपको बता रहे कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। अल्लाह ताला ने कनेक्शन रखा हुआ है हर चीज के इंसान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत वही भाई, इधर मैसेज शो नहीं हो रहे अभी मेरी तरफ, क्या मसला हो रहा है? क्या पता आपको जाके आना पड़े, या पता नहीं लाइट में लाइट मैं देख चेक कनेक्शन चेक करता। वापिस आए। अब आगे आगे अब आएगी इंशाल्लाह। हाँ अभी आ रहे हैं, अभी शो हो रहे हैं। हाँ वो कभी कभी होता है, वो एकदम से उसी के सिस्टम इनका वो हो जाता है ना, डाउन का हो जाता है। तो अच्छा, दोस्त या बोर हो गए ना, एक ही तरह के चेहरे देख देख के लाते। नहीं भाई भाई, गौर क्यों होना है, बस जिंदगी एक ऐसी है, बस आपको पता है ना अभी दुनिया कहाँ कहाँ जा रही है। हाँ ये तो अभी है। किसी को किसी का नहीं है भाई भाई, अभी सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई किसी का नहीं सोचता है, बहुत कम लोग हैं, 100 में से एक दो होंगे जो किसी का सोचेंगे, नहीं तो सब अपना सोचते हैं, अभी वो टाइम चल रहा है। हाँ लेकिन एक बात बता, तो मजा उसी में आता है जब दूसरों के बारे में आप सोचते हैं। आप ये तो यकीन समझने माने, की बात है ना भाई भाई, मजा ही तब आता है कसम से जिंदगी में जब किसी का फायदा करते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए ना अल्लाह ताला की करम नवाजी, देखें मैं उसके मैं लिए अपने छोटे सा अरे अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ये मेरी रोजी का अड्डा है, इसमें तो आदमी बैठ के झूठ नहीं ना बोल सकता। कसम से जिस दिन किसी की मिसाद करें या काम ऐसा करें ना किसी का फायदा हो, तो कसम से उस रात नींद भी इतनी अच्छी आती है, कभी जिंदगी में नहीं आई होगी ऐसी नींद। सही बात है, सही बात है। उसमें मैं वैसे ही मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने किसी का सोच के किया, मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको, आधा बताऊंगा, आधी नहीं कहानी नहीं बताऊंगा। नहीं वो समझ तो मैं जाएंगे किसी का बात। सोच के ना, किसी का सोच के जी मैंने जी कारोबार किया, एक छोटा सा कारोबार किया। तो मैंने सोचा सही ये उसके लिए कर, उसके लिए कर रहा हूँ। आप यकीन मानो, वो इतना बड़ा फायदा हुआ, मैं बाद में सोचने लगा, देखो यार मैंने सोचा और देखो कितना बड़ा फायदा हुआ। वही बात है ना, हाँ लोगों को परेशान बिल्कुल करके खुश होते हैं, हम देख के परेशान हो जाते हैं कि यार आदमी क्यों परेशान है। सही बात है, सही तो ऐसे भी देखे हैं बात अपनी इधर इधर अपनी सऊदीया की बातें बता रहा हूँ कि आदमी दूसरे को परेशान करके उसका नुकसान करके खुश होंगे, रात को बैठ के बातें करेंगे, आज मैंने उसका ये नुकसान कर दिया, मैंने ये कर, उनको नींद कैसे आ जाती है, खाना कैसे खा लेते हैं, मेरी समझ के बाहर है। है। नहीं, जो किसी को तकलीफ देता है वो कभी खुश नहीं रहता। देखो ना, लड़ाई होती है ना, जब लड़ाई होती है आपस में, तो वो तो जिसने गुस्सा थप्पड़ मारा आता होता है है उसको सुकून नहीं मिलता, लेकिन जिसको थप्पड़ पड़ा होता है वो बेचारा फिर ना रो के सुकून में आ जाता है, लेकिन जिसने सही जुल्म बात किया है। होता है वो कभी खुश नहीं रहता। बात तो ये है ना कि आस्ता आस्ता हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें वो भी तो सच होनी है ना, बिल्कुल, वो भी तो ना नहीं सिर्फ कभी कोई ये। मसला हो बच्चे, तो बिल्कुल तो मैं तेरा भाई हूँ बड़ा, कभी कोई चीज हो जो मैं कर सकूँ बता दिया कर यार ना सिर्फ। बस आप दुआ कर दिया करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है भाई भाई के अल्लाह ने नासिर आज ने तक क्या, किसी का मथा अपने अलावा मोहताज नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाक ज़ात का इतना करम है आज तक। आमीन। नहीं नासिर, मैं दुआ तो करता हूँ बेटा, मैं दुआ तो,
गॉड उसने बस दुआ हर की घर घर गुरबत के है। लिए सुबह से उसकी सबसे और पहले गॉड क्या चाहिए देखते भाई भाई, इधर प्रदेश में अपना कारोबार है, अपनी गाड़ी है, अपना काम है, अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी से आते जाते हैं, किसी की टेंशन नहीं है। अपनी खुद नहीं की दौड़ बिल्कुल लगाते हैं लालच को के, चलो जितना ज्यादा भागेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, बस इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है अलहमदुलिल्लाह। नहीं, माशाल्लाह 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 यार। यही है कहाँ प्रदेश में, यही जा तो है। कहाँ रहे हो नासिर, कहाँ जा रहे हो आज? मैं अभी ट्रिप एक पानी का डालने ऑर्डर आ गया था, वो जब कॉल नहीं रुकी, जब मैंने सेंड रिक्वेस्ट की थी आप उसके लिए उठाने लगे उसी टाइम पे, वो अच्छा एक ऑर्डर आया था, वो डालने जा रहा हूँ पानी के। अच्छा मैं भी मेरा भी अभी कोई राइड है, तकरीबन कोई 1.5 घंटे की राइड है, दो जगह जाना है, तो बस इसी के लिए अभी भाग दौड़ शुरू होनी है। और मेहमान आए थे, कौन मेहमान आए? हाँ थोड़ा दिन सफर करें, फिर इंशाल्लाह आपसे ना लाइफ बेटर करेंगे उधर जिम में, अभी जिम ज्वाइन करने लगे हैं हम 2-3 रोज इंशाल्लाह। सलाम इंशाल्लाह। अलैकुम। इश्तियाक भाई वालेकुम सलाम अलैकुम। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बस कैसे हैं? इश्तियाक भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या आपने मुझे फॉलो नहीं किया आज? हम तो खा लेते हैं। एक्चुअली मैंने फॉलो नहीं किया, मैं अभी चेक करता हूँ नहीं, उस दिन मेरा हमने ख्याल। बात की थी, याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है, मैं इश्तियाक भाई एक मिनट देखता हूँ। ओए नहीं, मैं मेरा ख्याल है मेरी गलती हो गई, चलो मैंने अभी कर दिया आपको, सॉरी इश्तियाक भाई। थैंक यू, तो फॉलो वो बैक कर। चलो और क्या हाल है, हाँ सब ठीक? मैंने कर दिया, आई एम सॉरी आई एम सॉरी, वो असल में बस वो गलती में नहीं हुआ होगा, गलती में। तो और क्या हाल है, सब ठीक है ना? आप सुनाए आप कैसे हैं? बस नासिर भाई, ये अलहमदुलिल्लाह। इश्तियाक भाई हैं, नीचे नासिर भाई हैं। हाँ आसिफ भाई इश्तियाक भाई, सलाम क्या अलैकुम। चाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और कैसे हैं इश्तियाक भाई? बस अलहमदुल्लाह। आप किधर होते हैं? ये तो न्यूजर्सी में होते हैं, आप किधर होते हैं? मैं तो सऊदी अरब हाइल में हूँ। अच्छा, सऊदी अरब में। मैं भी रह के आऊँ 10 साल कौन सी जगह पे भाई? रियाज में। हाँ हम हाइल में होता है, अल कसीम बरीदा से आगे 300 किलोमीटर। बता बता मुझे यार, कैसे हो? नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। और इश्तियाक भाई आज क्या हो रहा है, कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज मैं कहीं जा रहा था, मैं इधर ब्रिज में, ब्रिज पे स्टक हो गया हूँ। कौन से ब्रिज पे? अच्छा ब्रिज बंद हो गया इधर। हाँ यहाँ पे बैठा हूँ बस, मैंने कहा चलो आप लाए, मैं आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सर, बेनसीब हमारे, आप हमारे घर आए। मैं जी इधर बीकम ब्रिज पे हूँ। बीकम ब्रिज का पता है? जी 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 बिल्कुल। क्या ट्रैफिक है? अच्छा फोन किया हुआ है, गया एक्सीडेंट हो गया है। हाँ नहीं, वो मैंने भी बस अभी थोड़ी देर में काम पे निकलना था, बस मैंने कहा चलिए जब देखते हैं कौन कौन दोस्त आए हुए हैं, सब दोस्तों के साथ बैठे चेक करें क्या लग है, पता चले सारे दोस्त अपने सब लोग अपनी अपनी जगहों पर मशरूम पे। मैंने भी किसी को तंग नहीं किया, बस मैंने कहा चले सबसे गपशप मारते हैं। तो नासिर जी भाई, अपना ख्याल रखिए, ख्याल से जाइए और ख्याल से आइए, मेरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआएं जो है वो सिर्फ 60 मिनट तक काम करती है, इससे ज्यादा नहीं करती। बस आप प्यार से बात कर लिया करें, बहुत है ये हमारे लिए। ओके भाई आप भी जाना उधर, हमारे लिए दुआ की काम करके आए होंगे। शहीद भाई को तो बोला है आए कभी सऊदी उमरा करने आए, फिर उनसे मिलेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। आपका। नहीं मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह जी का हुक्म हुआ, अल्लाह जी का बुलावा हुआ है, इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ, और माशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा, इंशाल्लाह आऊंगा। बस आपके ऊपर बाकी यही फर्ज रह गया, आप बाकी तो आपने सब पूरे कर लिए, लेकिन ये सबसे अहम फर्ज है जो आपने पूरा करना है भाई। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। नासिर तुम्हें एक बात बताऊं, नासिर जी भाई जी।
मेरी बेटी का निकाह मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हुआ था। माशाल्लाह आपने बताया था उस दिन भी, आगे एक दिन बताया था। तो अल्लाह ताला कितने करम नवाजी, मैं वही सोच रहा था। मैंने कहा देखो यार, मदीना मुनव्वरा की अपना हरम शरीफ के सेन के अंदर हम लोग बैठे हुए थे। मतलब माशाल्लाह जी, आप आए हैं उम्रा शो उम्रा करके गए हैं? आप काफी हो। हाँ, मैंने माशाल्लाह मैंने दो 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 तीन दफा उम्रा किया मैं।